दोस्तों, मैं आज के क्रिप्टो न्यूज़ की शुरुआत करना चाहता हूँ बहुत ही ब्रेकिंग, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मसालेदार अपडेट के साथ दोस्तों, क्योंकि ये अपडेट निकल के आ रही है जुगबग भैया जी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वही हमारे फेसबुक वाले, नाम चेंज हो गया बट भैया वही है, मार्क जुगबग। जी हाँ दोस्तों, मेटा के CEO मार्क जुगबग जी ने एक्सेप्ट कर लिया, या फिर दोस्तों कह लीजिए कह दिया है इंडिया भैया कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ आ जाएगा दोस्तों, मार्क जुगबग भैया के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट दोस्तों मार्क जुगबग भैया जो है ना, बात कर रहे हैं मेटावर्स की। जी हाँ दोस्तों, मेटावर्स जो फ्यूचर होने वाला क्रिप्टो के लिए भी दोस्तों बहुत बड़ी है कॉन्सेप्ट मेटावर्स की, जहाँ पे मार्क जुगबग भैया ने कह दिया है कि भैया इंडिया का जो रोल होने वाला है मेटावर्स के लिए, वो बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत क्रूशियल रोल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अगर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मेटा के CEO मार्क जुगबग जी ने है, उन्होंने दोस्तों ये बात को कहा है कि इंडिया जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है मेटावर्स के लिए। और दोस्तों आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया की तरफ से भी आपको ढेर सारे मेटावर्स प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए, जो कि काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगी क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है फ्यूचर इज मेटावर्स। और भैया मेटावर्स गेमिंग प्रोजेक्ट या फिर दोस्तों मेटावर्स प्रोजेक्ट अगर इंडियन मार्केट में सही तरीके से लॉन्च कर दी जाए दोस्तों, तो वो स्काई रॉकेट हो सकती है। इसका एक बहुत ही बड़ा हिंट दोस्तों हमें मेटा के CEO मार्क जुगबग जी ने दे दिया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेटावर्स की कॉन्सेप्ट ही इतनी बड़ी है और लगातार दोस्तों मार्क जुगबग जी उसे सपोर्ट करते आए, तो आने वाले दिनों में हो सकता है क्रिप्टो में भी मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा स्काई रॉकेट हो और एक बार फिर से मेटावर्स प्रोजेक्ट में हमें रैली स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर अब तक आपने एक भी मेटावर्स प्रोजेक्ट को परचेस नहीं किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा, मैं आपको 3 ऐसे मेटावर्स प्रोजेक्ट बता दूंगा दोस्तों जो बहुत जल्दी एक बार फिर से ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम अगली अपडेट की बात करें तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है और सभी ट्रेडर के लिए अपडेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रशिया, जो कि आपको पता बहुत बड़ी पोजीशन हेल्ड करती है क्रिप्टो मार्केट में, इन्वेस्टर्स काफी बड़े बड़े हैं रशिया में दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों रशिया की तरफ से जो अपडेट निकल के आ रही है उससे मार्केट में खासा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शायद से रशिया ऐसा सोच रही है कि भैया क्रिप्टो को बैन किया जाए दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें तो रशिया की जो सेंट्रल बैंक है वो दोस्तों क्रिप्टो पर बैन लगाने के कोशिश में है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, जो ऐसी रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके मुताबिक दोस्तों इन्वेस्टर्स को कोई भी नया कॉइन खरीदने नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके इन्वेस्टमेंट सेफ रहेंगी, बट दोस्तों जो न्यू इन्वेस्टमेंट होती है उसे करने को नहीं दिया जाएगा दोस्तों। अभी तक बैन लगा नहीं है बट ऐसे बातचीत और रूमर्स निकल के आ रहे हैं जिससे मार्केट में अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे एक दो बातें अच्छी भी है, बट दोस्तों इस तरीके का बैन का मतलब क्या हुआ, मतलब नई आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, बट जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब ये क्या बैन हुआ भैया, मतलब पुराने पैसे गए, पुराने पैसे को छोड़ दीजिए, मतलब दोस्तों गए नए पैसे, मतलब उसे रहने दीजिए और नए में रोक लगा देंगे भैया, ये क्या बात हुई, मतलब जो लोग हैं पहले से ही डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो प्रैक्टिकल ये अपडेट नजर नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस तरीके की रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके मुताबिक दोस्तों अभी तक फाइनलाइज तो नहीं हुआ रशिया की तरफ से बैन, बट अगर दोस्तों बैन फाइनलाइज होता है तो इससे मार्केट में हमें एक डंपिंग वाला सिचुएशन भी बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्रिप्टो न्यूज़ में जरूर से नजर रखें अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हैं तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कुछ पॉजिटिव अपडेट भी आ सकती है, कुछ नेगेटिव अपडेट भी निकल के आ सकते हैं जिससे दोस्तों मार्केट में खासा इंपैक्ट पड़ सकता है। हम आप सभी के लिए डेली क्रिप्टो अपडेट लेके आते रहते हैं, तो डेली जरूर से क्रिप्टो न्यूज को देख लिया कीजिए जिससे आपको मार्केट का अंदाजा रहे। और दोस्तों यहाँ पे रशिया की तरफ से जैसे ही कोई अपडेट निकल के आएगी सबसे पहले आप सभी को जरूर से अपडेट करेंगे। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। बट भैया यहाँ पे अगर हम अगली अपडेट पे नज़र डालें तो सिर्फ बैड न्यूज़ ही निकल के नहीं आई दोस्तों, कुछ गुड न्यूज़ भी निकल के आई है, उस पर भी थोड़ा नज़र डाल लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम हिस्ट्री को देखें, जो हिस्ट्री बिटकॉइन की हमेशा रिपीट होते हुए आपको कई बार देखने को मिली है मार्केट में, एक बार फिर से अगर हम हिस्ट्री के डेटा पर नज़र डालें दोस्तों, तो वो हिंट कर रही है बिटकॉइन के एक पॉसिबली ब्रेकआउट पर दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट हो जाती है। देखना दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें जो यहाँ पे इंडिकेटर निकल के आ रहे हैं मोमेंटम के, वो दोस्तों प्रैक्टिकली ये दिखा रहे हैं कि भैया बिटकॉइन जो है बहुत जल्दी एक अच्छी खासी ब्रेकआउट आप सभी को जनरेट करके दिखा सकती है। जिस तरीके के अपडेट निकल के आए उसके मुताबिक दोस्तों बिटकॉइन जो है बहुत जल्दी अगर पंप करने की शुरुआत कर दे दोस्तों, तो एक अर्जेंट ब्रेकआउट आप सभी को देखने को मिल सकता है, जहाँ से इन्वेस्टर्स की काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट हो सकती है। और अगर आपने अच्छे खासे अल्टकॉइन में पैसे लगा रखे तो भैया वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन भैया ये सभी तभी
हो पाएगा जब दोस्तों किसी कंट्री की तरफ से फंड न्यूज निकल के नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लगातार फंड न्यूज कभी कभी निकल के आ जाती है किसी कंट्री की तरफ से। जैसे अभी रशिया के फंड ऑन होल्ड है दोस्तों, अगर कोई फंड निकल के आता है तो मार्केट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर से पड़ सकता है, बट दोस्तों अगर कोई फंड निकल के नहीं आता है तो मार्केट जरूर से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी और आप सभी को काफी अच्छा मुनाफा जनरेट करके दे सकती है। अगर आप मार्केट में, तो भैया इस पैटर्न को बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रही है काफी ज्यादा क्रूशियल और बहुत जल्दी अर्जेंटली आप सभी को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जैसे ही कंफर्मेशन आती है मैं आप सभी को अपने VIP एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से अपडेट कर दूंगा। और भैया यहाँ पे USA की जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी है, यानी कि दोस्तों USA के जो पुराने प्रेसिडेंट है, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप जी की, उनकी दोस्तों जो वाइफ है उन्हें वो कहलाती है फॉर्मर फर्स्ट लेडी, जिन्होंने दोस्तों आज लॉन्च कर दी है NFT सलोना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जो काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट है, क्योंकि दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं कि कम है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी काफ़ी अच्छे खासे सीट लेके आए हैं US के इलेक्शन में, और आपको पता होगा दोस्तों इनकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों अगर ये NFT लॉन्च कर रही है तो भैया इनका फ्यूचर, आपको पता है दोस्तों जो NFTs का फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट रहने वाला है। और दोस्तों ये सॉफ्ट सिग्नल है कि भैया USA में जो क्रिप्टो की खबर है या फिर दोस्तों क्रिप्टो का फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब USA की फॉर्मर फर्स्ट लेडीज इस तरीके के अपडेट लेके आ रही है, इस तरीके के NFT लेके आ रही है, तो फिर भैया आप समझ जाइए कि कितनी पॉजिटिव रहने वाली है आगे की सिनेरियो और फ्यूचर, और आप सभी को कितना ज़्यादा मुनाफा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब USA इस चीज़ को अडॉप्ट धीरे धीरे कर रही है तो भैया हमारी इंडिया भी पीछे थोड़ी ना रहने वाली है। भैया पूरा तरीके से अडॉप्शन अभी हमें शायद से देखने को ना मिले, बट भैया थोड़ी थोड़ी अडॉप्शन हमें जरूर से देखने को मिल सकती है, जो कि सभी ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। भैया इसलिए भी ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है लगातार रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे शिवा एनुकॉइन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट को बताने के लिए। तो भैया यहाँ पे अगर हम देखें तो शिवा के जो वेल्स है वो दोस्तों लगातार अपने होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें शिवा के वेल ने दोस्तों 2.9 मिलियन शिवा और ऐड किया है दोस्तों 31.3 बिलियन शिप टोकन के होल्डिंग को बनाने के लिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी होल्डिंग अब हो चुकी है लगभग दोस्तों 31.3 बिलियन टोकन, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम वेल को देखें तो लगातार वो अपने होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो एक सॉफ्ट सिग्नल जरूर से शिवा एनुकॉइन की तरफ से निकल के आ रही है कि भैया बहुत ही जल्दी हो सकता है आप सभी को एक अर्जेंट ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया जब वेल्स किसी कॉइन पर लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक सॉफ्ट सिग्नल है, समझ जाइए भैया कॉइन की प्राइस ऊपर जाने वाली है। अगर आप इस चीज़ को सही से करते हैं तो इससे बहुत बड़ा मुनाफा भी कमा पाएंगे, बट दोस्तों अगर आप इस चीज में गलती कर देते हैं तो हो सकता है आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी दोस्तों लॉस में तब्दील हो जाए। तो बिना रिस्क लिए, और अगर दोस्तों आप रिस्क लेना ही चाहते हैं दोस्तों तो सही कॉइन पर रिस्क लिए दोस्तों, ऐसे ही रिस्क ना लें, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा रिस्की फैक्टर भी हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर शिवा इनु की हम बात करें तो यहाँ पे जी हाँ जरूर से वेल्स काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वेल्स की जब भी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों तो यहाँ पे कॉइन की प्राइस हमें अच्छी खासी पंप देखने को मिल जाती है। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने आखिरी क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों अगर फाइनल अपडेट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं दो ऐसे कॉइन की बात कर रहा हूँ दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा हाइप है, जिनकी मार्केट में मैं बात कर रहा हूँ TRX और ADA के बारे में, जो कि दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है दोस्तों। और अगर आपने इन दोनों में से एक भी कॉइन को होल्ड करके नहीं रखा है तो भैया आप क्रिप्टो मार्केट के दो बड़े किंग को छोड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये दो प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, और बहुत जल्दी इन दोनों प्रोजेक्ट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो पिछले 1-1.5 महीने से ना ही ट्रॉन ना ही दोस्तों यहाँ पे ADA में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, तो एक बार सिनेरियो काफ़ी ज़बरदस्त जनरेट हो रही है। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्टिव हो जाती है तो ट्रॉन और ADA आप सभी को जरूर से बहुत अच्छा खासा मुनाफा जनरेट करके दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपने ट्रॉन और ADA को परचेस किया है या फिर नहीं किया है। फिर मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए रेगुलर क्रिप्टो अपडेट्स लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज और लॉसेस बिल्कुल ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।